हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्यों के परिचय का पार्ट टू। पार्ट वन हम लोग इससे पहले पढ़े थे, आज ये पार्ट टू इसका लास्ट पार्ट है। इसमें पार्ट वन से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इस्पात संयंत्र के लिए, समाचार छापने की फैक्ट्री के लिए। ये सही नहीं है। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये भी इस्पात संयंत्र भी गलती है, समाचार पत्र छापने की फैक्ट्री नहीं, अखबारी कागज के लिए है, प्रोटोटाइप मशीन टूल्स के लिए, इसके लिए भी नहीं है, और यूरेनियम के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए है। और ये अखबारी नेपा नगर में स्थित जो अखबारी कागज मिल है, देश का प्रथम अखबारी कागज छाप कागज का ये कारखाना है। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1955 में। क्वेश्चन नंबर दो, ब्लैक पुगेडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पुगेडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पुगेडा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क क्या है? उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सूर्य मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? काला पुगाड़ भी कहा जाता है। और यह मंदिर रथ की आकृति का बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? काला पुगाड़ कहते हैं। और यह कहाँ स्थित है? कुनार्क में स्थित है। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा में किस जिले में स्थित है? अनुसूपा जो है एक गर्म पानी का स्रोत है, ये उड़ीसा के कटक जिला में स्थित है। और उड़ीसा के कटक जिला में एक और चीज स्थित है, उड़ीसा के कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के कटक में है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? तो पंजाब की सीमा पर कौन नहीं है? उत्तराखंड नहीं है। राजस्थान है। राजस्थान पंजाब के किस स्टेट में है? साउथ में है। हरियाणा किधर है? हरियाणा है इसका ईस्ट में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों किधर है? पंजाब के ईस्ट में है और साउथ में है। राजस्थान नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है। ईस्ट में है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो शिमला से जुड़ा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है? NH 22। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक जो है ये किसके किसके जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, और मुंबई से कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग संख्या जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग संख्या 6। और दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग संख्या जोड़ता है? 2। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किसको जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है ये मुंबई से कलकत्ता को जोड़ता है। उस भारतीय संघ का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। उस भारतीय संघ का नाम बताना है जिसकी साक्षरता का प्रतिशत क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जो इसमें सभी दिए गए कौन से दिए गए हैं? उस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में क्या, वो भारत के सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार
यहाँ की साक्षरता कितनी है? यहाँ का साक्षरता जो है 91.8% यहाँ साक्षरता की दर है। निम्नलिखित में से उस राज्य कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन सा राज्य नहीं छूता है? तो पश्चिम बंगाल। अब ये छत्तीसगढ़ कौन किसे किसके छत्तीसगढ़ ये 6 राज्यों को सीमा को छूता है। कौन कौन सा? यूपी को, झारखंड को, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को और एमपी को। ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी। पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा किस में स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मुहाने पर यह स्थित है। जो श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा जो है ये किस में? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील जो है उसी के मुहाने पे स्थित है। पुलकर झील के मुहाने पर स्थित है और यहाँ इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से सैटेलाइट का क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। पूछा जाए टीटागढ़ कहाँ स्थित है? टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है और कागज उद्योग की स्थापना जो है पश्चिम बंगाल में, ये टीटागढ़ में हुआ था। ये कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1882 में। और इसे हम लोग पढ़े थे पहले, नेपानगर में जो कागज कारखाना का स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? अखबारी कागज का जो स्थापना हुआ था होता नहीं सा 55 में। सही को मिलान करें, 11 नंबर क्वेश्चन है, सही का मिलान करें। बेंगलोर है, बेंगलोर को हम लोग किस लिए जानते हैं? भारत के बगीचे के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। तो 1 का 2 हो जाएगा। बी मुंबई, मुंबई को मैं कहा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। 3 नंबर जयपुर, गुलाबी शहर, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर कहते हैं। कोलकाता को क्या कहते हैं? महलों का नगर कहते हैं। ये मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन यही आएगा 12। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और ये अहमदाबाद को पूरब का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मुंबई को कपास का विराट नगर, मुंबई को क्या कहा जाता है? कपास का विराट नगर। चाहे भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और ये मुंबई को कपास का विराट नगर कहा जाता है। मुंबई को कपास का विराट नगर कहा जाता है। कपास का विराट नगर कहा जाता है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है।
अब उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है मुजफ्फरपुर नगर, जहाँ को क्या कहा जाता है अगर पूछे प्रॉपर तो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, जो मुजफ्फरपुर नगर है इसे हम क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं। और किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये चीनी के उत्पादन में किसका का है सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो बिहार के सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो किस जिले में स्थित है, ये चंपारण जिले में स्थित है। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू जो है इसकी कौन सी राजधानी है, ये शीतकालीन राजधानी कौन सी है, जम्मू है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जानते हैं और एक शीतकालीन राजधानी के नाम से जानते हैं, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो बिहार में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण में स्थित है। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ये श्रीनगर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है, तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या है इसका कितना प्रतिशत भारत में है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत में जनसंख्या है 17.49% है। इसके लगभग में देखा जाए तो कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और इसका ये अगर इसका अगर टोटल पूछे ये परसेंटेज में, अगर टोटल भारत की आबादी कितना था, तो 12, 10, 19, 34, 22 ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा याद होगा। जैसे हम लोग 125 करोड़ बोलते हैं मोटा मोटी, इसको हम लोग क्या करते हैं 12, 10, 21 एग्जाम में इसका एक्यूरेट भी पूछा जाता है, तो इसमें क्या होगा 12, 10, 19, 34, 22। विश्व के क्वेश्चन क्या था, विश्व कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है, तो अगर एक्यूरेट पूछे तो 17.49%, और इसे पूछे तो अबाउट में 18%। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है, भारत में जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अब ये देश की जनसंख्या का 0.05% है, और इसको अगर हम लोग ये भी जो हम लोग डाटा जो जानना है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये 0.05% है। अगर इसका टोटल देखें तो कितना है, 610,577, मैंने 61,577 यहाँ पे टोटल जनसंख्या है इसका। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका जनसंख्या न्यूनतम है, तो लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है न्यूनतम है, अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ की साक्षरता दर भी क्या है सबसे ज्यादा कितना है, 91.8%। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 में अधिक है, हम लोग लिंगानुपात का जो निर्धारण करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, 1000 पे करते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा केरल में है, यहाँ का लिंगानुपात कितना है 1084। राज्यों के लिंगानुपात को आरोही क्रम में समझाए, अब राज्यों का जो लिंगानुपात है इसको आरोही क्रम में समझाना है, तो आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं सबसे कम वाले को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं बिहार का इसमें कितना कितना सबका दिया हुआ है, तो उत्तराखंड का अगर हम लोग बिहार का देखें, बिहार का कितना है, बिहार का 918 है, उत्तराखंड का कितना है
उत्तराखंड का 963 है, मणिपुर का 992 है, और केरल का, इससे पहले भी हम लोग केरल का देखे थे, केरल का कितना है 1084। अब इसी के अनुसार हम लोग सजा देंगे, सबसे कम वाले को पहले रखेंगे, तो सबसे कम तो बिहार है, फिर उत्तराखंड, फिर नंबर के कौन सा होगा, डी होगा, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल। बिहार का लिंग अनुपात कितना है 918, उत्तराखंड का 963, मणिपुर का 992 और केरल का 1084। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य का विस्तार है? तो भारत के जो सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य का विस्तार है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है, कहाँ तक भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य तक इसका विस्तार है, यह उत्तर में किससे लगा हुआ है? उत्तर में ये चीन से लगा हुआ है और पूरब में म्यांमार से लगा हुआ है। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है, बर्मा है। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर भाग तो कौन सा राज्य का विस्तार है, तो भारत ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में अमरपाली का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो भारत में जो अमरपाली का जो क्षेत्र है ये कौन सा है, वैशाली का, वैशाली के जो प्राचीन काल में बिहार में जो अमरपाली के जो वैशाली की रहने वाली एक नगर वधु थी, इसी को हम लोग क्या पूछा जाता है, अमरपाली का क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार में ये सभी थे, अंग, मगध, वैशाली, मुंगेर, लेकिन इसमें इसका अमरपाली का क्षेत्र कौन सा था, अमरपाली जो थी ये वैशाली की नगर वधु थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसलैंड फोर्ट या द्वीप किला है, आइसलैंड पोर्ट है, ये फोर्ट नहीं है, पोर्ट है, आइसलैंड पोर्ट या द्वीप किला है, तो इसमें कौन सा है? सिंधु दुर्ग एक क्या है, द्वीप किला, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र के तट के पास में, ये अरब सागर में स्थित है, यह एक टापू है, इसी टापू पे क्या है, महाराष्ट्र के ये अरब सागर में ये स्थित एक टापू है, और इसी टापू को हम लोग क्या, इसी टापू पे क्या है, सिंधु दुर्ग स्थित है, ये टापू पे ही सिंधुदुर्ग स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय आहार संस्था हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदुमपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में है, मथुरा मथुरा जिला के ये कौन से गांव में स्थित है, मखदुमपुर गांव में स्थित है, मखदुम गांव में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था है ये धनबाद में स्थित है, और ये मुख्यतः किसका किसका ये किसका किसका अनुसंधान करता है, कोयला का और लिंगनाइट का। और लिंगनाइट का ये मुख्यतः अनुसंधान करता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, इसको हम पहले भी बताए थे, केंद्रीय जो चावल अनुसंधान संस्था है ये कहाँ पे स्थित है, कटक में स्थित है, उड़ीसा के कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है, राजस्थान में सबसे अधिक रेगिस्तान क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है, और ये राजस्थान का क्या है, राज पशु भी है, ऊँट जो है राजस्थान का क्या है,
राज्य पशु है। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है, जो जो टकसाल है वो कहाँ पे नहीं है। टकसाल जो है ना, ये टकसाल कहाँ कहाँ नहीं है, तो ये कलकत्ता में टकसाल हैदराबाद में टकसाल है, मुंबई में है और नासिक में टकसाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है। तो बोडो भाषा जो है वो किस राज्य में बोली जाती है, तो ये बोरो भाषा जो है, ये बोरो है, बोरो भाषा ये तिब्बत बर्मा की भाषा है और यह असम की भी क्या है, राजकीय भाषा में से एक भाषा है। तो बोरो भाषा ये जो है, ये भारत के 22 भाषाओं में एक शामिल भी है। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बोडो भाषा असम में बोली जाती है और ये 22 जो संविधान का 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, उसमें भी इसको क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है बोडो का। और बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में बोला जाता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा भाषा बोली जाती है कि 80% 80% जो आबादी है यही भाषा बोलती है, बंगाली भाषा। दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन करें। तो दक्षिण भारत में जो प्रांतों के दिया गया है, इसका सही चयन करना है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम बोला जाता है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। कर्नाटक में कौन सा भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। तो ये दक्षिण भारत के जो भाषाओं का है मिलान किया गया इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिहार SSC से जुटा हुआ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।